आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलचा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं दलाग लाग कमेटी पंजीकृत नया बाजार श्री सुशील कुमार जी जैन, जो जैन समाज के गणमान्य व्यक्ति हुए जाने जाते हैं, आपके परिवार में दीक्षा ग्रहण की हुई है, उस व्यक्ति से आज साक्षात करने के लिए दलाग लाग कमेटी पंजीकृत के कार्यालय में पहुंचा हूं। उनसे साक्षात्कार करके आपको मैं व्यापारी भाइयों को जानकारी देना चाहूंगा कि ये जैन समाज और दला गला कमेटी व्यापार में किस प्रकार खड़े उतरते हैं, कैसे हैं, ये जानकारी आपको दिलवा रहा हूं। मंत्री साहब, सिंह मंत्री साहब, नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार जी। और साहब जी, क्या हाल है? और ठीक है, आप कैसे हो? बस कृपा आप लोगों का आशीर्वाद साहब जी। और ये आप यही समझ दे मेरे नाम है जी साहब। वो यहाँ नया बाजार में आपने कब से नया बाजार में 1987 से माने लगा था, छोटा था जब मैं 17-18 साल का था जी, तब से मैं यहाँ दलाली के काम में लगा हुआ हूँ। शुरुआत दलाली से? दलाली से। तो आपने पूर्वजों की इसी दलाली शुरू करी हुई? नहीं, मैंने शुरू से दलाली में हूँ जी। मैं शुरू से अपने खुद अपनी दलाली में चला हूँ। पहले 2 साल सर्विस की है अपने जैन एंड कंपनी राजेंद्र प्रसाद जैन जी के पास, जो उनके पास काम किया, उनसे फिर आशीर्वाद लेकर के फिर मैंने अपना काम शुरू किया था। तब से मैं अब तक अपने ही काम करता आ रहा हूँ। दलाली का चावल की या? मैं हर दाल दालों की कर रहा हूँ जी, दाल और कैटल फीड की। दाल और कैटल फीड की? दाल और कैटल फीड की। हाँ जी सर। दाल में हरड़ की? हरड़ की दाल और कैटल फीड। लोकल ही काम है? मेरा काम वैसे तो लोकल का है और बाहर का भी काम, बिहार का भी काम है जी। तो अभी ये कमेटी में जैन साहब एक ही अभी? हाँ, मैं ही हूँ जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी कि आप जैन समाज के भी वो कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, और जैन समाज से भी वो पूरे परिचित हैं, और नया बाजार में भी ईमानदारी पूरे काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है जी जी जी। तो आपको कैसे लग रहा है? कब पहले भी कभी आए थे क्या चुनाव में, कैसे क्या है? नहीं जी, पहले मैं कभी कोई चुनाव में किसी प्रकार के उसमें नहीं था जी। ये तो अब की बार कुछ अपने बाजार के दलाल भाई, व्यापारी भाई, दुकानदार भाई, सभी का सहयोग मेरे को मिला जी। जो है उस सहयोग से मेरा जो हमन हुआ, उन्होंने खड़ा किया, तो मैं यहाँ विजय हुआ जी। सब लोगों का आशीर्वाद मेरे को बढ़िया तरीके से, खूब बढ़िया उससे मिला और मैं विजय हुआ जी। तो जैन समाज भी तो आपका अच्छा हुआ है? हाँ, जैन समाज में मैं निर्लाल जो है स्वतंत्र नगर ऐसे जैन सभा में कार्यकारी सदस्य हूँ। अच्छा। और इधर आपसे गुहाना में भगवान श्री के चरणों में आपसे मेरी 6 साल पहले मुलाकात हुई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुलाकात हुई थी वहाँ भगवान श्री के चरणों में जी। और मैं जो है अब सब भाइयों के सहयोग से यहाँ बाजार में संयुक्त मंत्री पद पर विजय हुआ। उस पर अपना उससे मैं जो है तन और मन से काम करने का पूरा वो करूँगा, पूरी सेवा दे रहे हैं, पूरी सेवा दे रहे हैं, अब भी पूरे उससे तन से मन से लग रहे हैं जी। जैन समाज में मेरे अपने जो संसारिक साले थे वो सगे वो भगवान श्री के चरणों में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है जी, और बहुत ही बढ़िया अच्छे आज के टाइम में संतों में वो हैं जी। आपका जैन समाज बोल के बड़ा अच्छा जो है ना। और इधर से हमारे सगे मामा जी की लड़की है उषा गोमी जी, वो भी संसारिक मेरी बहन लगती है, मामा जी की लड़की है जी। मैं तो तेरा बंदी हूँ आचार्य तुलसी के बोल के सारों से संपर्क, मेरा सब आचार्य भगत साहब साथियों संपर्क है। हम जो है भगवान श्री का मेरे पर बुलाओ और आपने देखा ही है, मुलाकात हुई थी, मुलाकात हुई है, मेरा सब जगह जाना होता है जी। आचार्य तुलसी ने एक ही सिखाया है, सब जगह हम सबसे पहले मानव है, उसके बाद ही पंत संप्रदाय सब बाद में आता है। वही मैं उनके उसमें लेके चल रहा हूँ, और सब आचार्य भगत साहब आशीर्वाद मेरे साथ है जैन साहब। मुझे आज आपसे साक्षात करके बहुत अच्छा लग रहा है जी जी। और मैं चाहता हूँ आप जैन समाज का नाम इस नया बाजार में और ज्यादा बढ़ते हुए पहुंचेंगे और 45 फीट तक आगे तक पहुंचेंगे। ये सब गुरुओं का आशीर्वाद और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद, आज जैसे बड़े भाइयों का सहयोग, और उससे जो है मैं अपनी तरफ से
बिल्कुल तन मन और बिना निष्पक्ष भाव से इसमें जो है कार्य कर रहे हैं। जैन साहब ये बताओ डिजिटल टाइटल जो ला रहे हैं हम, उसके बारे में आपका ये तो जो देखो जी आप बहुत ही बढ़िया काम आपने किया है, जो पहले जैन समाज की भी आपने डायरेक्टरी निकाली और बाजार में भी डायरेक्टरी निकाली छोटी से बड़ी, अब डिजिटल में आए हो, मैं तो इसको बहुत बड़ा कार्य मानता हूँ। और ये भगवान और गुरुओं से ये विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान महावीर स्वामी से कि आप इसमें बढ़ चढ़ करके भी आपको पूरा आशीर्वाद भगवान लोग और गुरुओं का आपको मिले जी। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत।